بسم اللہ الرحمن الرحیم. Commerce Education Platform. Question 22. Prepare a bank reconciliation statement under double balance method from the following particulars as on 30th June 2015. Double balance method ye sabse aasan hai. इसमें आपको दो बैलेंस दिए जाएंगे, एक बैलेंस कैश बुक का और दूसरा बैलेंस पासबुक का। और जब आप नया बैलेंस निकालेंगे दोनों का तो वो सेम होगा, यानी एक ही बैलेंस आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, टोटल चार चीज़ें हैं। दो चीज़ें कैश बुक में आ रही होती हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये दो चीजें इधर आ रही हैं लेकिन इधर नहीं आ रही। और दो चीजें हैं डिडक्शंस या डेबिटेड बाय बैंक। कलेक्शंस क्रेडिटेड बाय बैंक, ये इधर आ रही हैं इधर नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है कि जो दो चीजें इधर नहीं आ रही वो कर दें, वो इधर कर दें तो नया बैलेंस आ जाएगा जिसको हम कहेंगे एडजस्टेड बैलेंस। एडजस्टेड बैलेंस। और इधर ये दो चीज़ें नहीं आ रही, जब इधर कर देंगे तो जो बैलेंस निकलेगा एडजस्टेड बैलेंस वो एक ही जवाब आ जाएगा दोनों का। इसमें यानी रिवर्स नहीं करना कुछ भी, इसमें सिर्फ वो दोनों बुक में वो काम कर देने हैं जो नहीं हुए। कैश बुक में ये दो काम नहीं हुए इधर ये दो काम कर दें, पासबुक में ये दो काम नहीं हुए इधर कर दें तो दोनों का बैलेंस बराबर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमने फॉर्मेट बना लिया है, दो बुकें बनाई हैं, ये दोनों इकट्ठे भी बन सकती हैं और अलग अलग भी बन सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि दोनों को अलग बना लें ताकि कोई एंट्री जो है आपस में मिक्स ना हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बैंक बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट डेबिट, तो आप इधर लिख लीजिए बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। रुपीज 3000 इधर लिख रहे हैं डेबिट यानी अनफेवरेबल। अब इधर दो चीजें नहीं हुई, एक तो अनक्रेडिटेड चेक्स और एक अनप्रेजेंटेड चेक्स, तो वो दोनों आपने इधर लिखने हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक वो हम अलग बनाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड रुपीज 970 इधर आप लिख दीजिए अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स, अब देखें ये जो चेक्स होते हैं अनक्रेडिटेड, ये कस्टमर की जो बुक है वहाँ पर ये डेबिट होते हैं, तो पासबुक में फिर अपोजिट क्रेडिट होंगे। अब इधर लिख दीजिए क्रेडिट, ये डेबिट है ये क्रेडिट, ये इसमें से माइनस हो जाएंगे ये 970। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 1600 ये भी इधर आ जाएंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। हमारा बैलेंस चल रहा है डेबिट। अब कस्टमर ने अनप्रेजेंटेड चेक्स अपने पास क्रेडिट किया होते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखे होते हैं, तो ये बैंक स्टेटमेंट है यहाँ पर ये अपोजिट हो जाएंगे यानी डेबिट हो जाएंगे। कस्टमर के पास क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट में डेबिट, तो इसको हम डेबिट कर लेंगे। ये है 1600।
ये नया बैलेंस निकला है, इसको हम कहेंगे एडजस्टेड बैलेंस। अभी हमें दोनों बैलेंस दिए हैं तो हमने दोनों बुक्स का बैलेंस सेम लाना है, यानी सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके डिफरेंसेस दूर करके ये हमारा बैलेंस जो आ जाएगा डेबिट बैलेंस, पासबुक के मुताबिक या बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक। अब हम बढ़ेंगे दूसरी बुक की तरफ, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। हम इधर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट है तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा 3700। अब यहाँ पे वो चीज़ें कर दें जो पासबुक में हो चुकी हैं, इधर नहीं हुई। तो इसमें फिफ्थ नंबर पे आ रहा है द बैंकर चार्ज ₹30 फॉर कमीशन। बैंक ने ₹30 जो है अपना कमीशन काटा है, इधर लिखा गया था बैंक स्टेटमेंट में लेकिन कैश बुक में नहीं आए, तो हम इधर लिख देंगे ये है आपकी डिडक्शंस। बैंक ने उधर क्या किया, जब भी कोई पैसे काटता है डेबिट करता है, हम उसके अपोजिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इधर हम लिखेंगे कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक, चार्ज्ड बाय बैंक, दोनों क्रेडिट हैं आज जमा हो जाएंगे आपस में, तो ये है ₹30, तो ये बन जाएगा 3730। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है, ये हमारी इनकम है जो बैंक ने कलेक्ट की है। बैंक जब भी कोई इनकम हमारे खाते में डालता है तो क्रेडिट करता है, उधर क्रेडिट हमारे पास डेबिट, तो ये हमारा बैलेंस चल रहा है क्रेडिट, इसको हम करेंगे डेबिट, तो इट मीन्स ये लेस हो जाएंगे। इधर लिखें लेस डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ₹100, ये माइनस कर दीजिए 3630। ये चीज़ आई जो एक क्रेडिट है, इधर हम लिखेंगे एडजस्टेड बैलेंस। ये देख ले दोनों बुक का जो बैलेंस है सेम हो गया, क्यों, अब कोई डिफरेंस नहीं रहा, जो काम इधर हुए थे वो इधर हो गए, जो इधर हुए थे वो इधर हो गए, तो तमाम ट्रांजैक्शन दोनों बुकों में एक जैसी हो गई और रिजल्ट क्या निकला, दोनों बुकों का बैलेंस सेम आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।